शेषम शनश्चराय नमः। ओम शम शनश्चराय नमः। ओम शम शनश्चराय नमः। नमो नारायण। 12 दिसंबर सन 2011 सोमवार का दिन, और 12 दिसंबर को जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह है, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना, और ईश्वर आपका कल्याण करे। शनि महाराज से मेरी यही प्रार्थना है, आपका जन्म 12 दिसंबर को है या आपकी शादी की सालगिरह, और जीवन में कोई परेशानी है तो छोटा सा उपाय है, रात में श्रद्धानुसार चने की दाल पानी में भिगो दे, प्रातकाल नित्य क्रम से निवृत्त स्नानों उपरांत दाल में से पानी को निचोड़कर उस दाल को रोटी पर रखकर ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः बृहस्पति की बीज मंत्र का 108 बार जाप करके गाय को अपने हाथ से खिला दीजिए, संपूर्ण कष्ट परेशानी और विघ्न से आपका छुटकारा हो जाएगा। ये अद्भुत उपाय है जो कभी खाली नहीं गया, इसको करके देखिए आपके जीवन में खुशियां आएगी। नमो नारायण। और बात करते हैं सोमवार के पंचांग की। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया और विक्रम संवत 2068 प्रातकालीन नक्षत्र आद्रा नक्षत्र और चंद्रमा मिथुन राशि में, और सोमवार का राहुकाल प्रातः 7:30 बजे लेकर 9 बजे तक, और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित नहीं माना गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी, लेकिन यदि संतान की शादी में कोई प्रॉब्लम है, प्रयासों की बात भी वैवाहिक जीवन खुशियों में नहीं मिल पा रही है, और वैवाहिक जीवन में हमेशा उठापटक का सामना करना पड़ रहा हो, तो ये जो राहु काल है ना सोमवार का प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे 1.5 घंटा श्रद्धानुसार चावल सफेद वस्त्र में बांधकर पोटली बना दे, घी का दीपक जलाए और शिव महमन स्त्रोत के 7 पाठ करें। तत्पश्चात ये चावल आप गरीब लोगों में बांट दीजिए, संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमन। और बात करते हैं सोमवार की यात्रा की। सोमवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रही। आज के दिन दर्पण में मुंह देखकर कुमकुम और केसर का तिलक लगाकर यात्रा में जाएंगे तो यात्रा बहुत कल्याण कर रहेगी। व्यापारी की यात्रा न मना रहे। अब आपको नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में ले चलता, क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए, और बात करते हैं आपके आज के राशिफल की। मेष राशि वालों, ग्रह नक्षत्र और सितारों का संकेत कि आज आपका यश और मान बढ़ेगा, सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी, कारोबार में लाभ, अपनों का पूर्ण सहयोग और कारोबार में नए संबंध स्थापित होंगे। आज बिछड़े हुए मेहमानों से मिलने का सुअवसर मिलेगा और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। क्या करें, विशेष क्या करें, धन को व्यर्थ में व्यय न करें तो अच्छा रहेगा, धन का व्यर्थ खर्च न करें तो अच्छा रहेगा। क्या करें, कुछ क्षण परिवार के साथ प्रेम बुक बिताए तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, सोच विचार कर काम करना बहुत जरूरी होगा आज के दिन। वृषभ राशि जिसरे के घर योगायोग, महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी होगा। आज घूमने फिरने और मनोरंजन में धन और समय दोनों का अपव्यय होगा, थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतें, बहुत जरूरी है। सुबह से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक थोड़ी सी सावधानी बरतना। दोपहर 12 बजे के बाद गोचर करवट लेगा, धन की प्राप्ति होगी, अपनों का साथ मिलेगा और परेशानियों का निवारण हो जाएगा। क्या करें, आलस्य से बचें। क्या ना करें, तो सरकारी कार्यों में लापरवाही ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के ये प्रयास सफल होंगे, कारोबार में मनोअनुकूल सफलता प्राप्त होगी और शुभ समाचारों की प्राप्ति से मन बहुत प्रसन्न रहेगा। आज व्यवसाय में सुधार होगा, धन लाभ होगा, अपनों का पूर्ण सहयोग और उन्नति के अवसर मिलेंगे, और हैं आप नौकरी में तो बॉस आज आपसे बहुत खुश रहेगा। पारिवारिक पूर्ण सुख स्वास्थ्य अनुकूल। क्या करें, आज बिगड़े संबंधों में सुधार ला सकते हैं आप। क्या ना करें, किसी विवाद में न उलझे तो अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, सितारे और गोचर आज ये संकेत दे रहे हैं कि बहुत जरूरी है पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चलना, मन मुटाव से दूर रहना, विवादों से दूर रहना और धन का अपव्यय नहीं हो इस बात पर ध्यान देना। आज जीवन साथी की उपेक्षा परेशानी का सबब बन सकती है, स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज कर्क राशि वालों, सुबह से लेकर सूर्य उदय से लेकर शाम 3:30 बजे तक, दोपहर 3:30 बजे तक गोचर ये संकेत दे रहा है कि सावधानी,
धैर्य बहुत जरूरी है, जीवन साथी की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, और धन का अपव्यय नहीं हो इस पर भी ध्यान देना होगा। छोटा सा उपाय जो बहुत जरूरी है, आज आज श्रद्धा अनुसार दूध का दान कंजकों को करके देखिएगा, आपको लाभ मिल जाएगा। क्या करें, लक्ष्य को निर्धारित करना आवश्यक है। क्या ना करें, कोई भी नई डील या नए प्रोजेक्ट आज दोपहर साढ़े तीन बजे तक हाथ में नहीं ले तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन, और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, समय अनुकूल सितारों का शुभ, धन वृद्धि के अवसर मिलेंगे और अपनों का पूर्ण साथ मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। आज आपका रहन सहन और सामाजिक स्तर ऊंचा रहेगा। आज संतान संबंधी शुभ समाचार प्राप्त होंगे, कारोबार में सफलता, और आज सामाजिक सम्मान भी आपको मिलेगा। क्या करें, सरकारी कार्यों में सावधानी बरतें। क्या ना करें, किसी के संदेह का शिकार ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखें। नमन, और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, और हैं आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा, और आप नौकरी में हैं तो आज मनोनुकूल स्थानांतरण की प्रबल संभावना है। सरकारी और राजनीतिक संस्थानों में विशेष उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, धन लाभ होगा, भूमि और वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग, और आज मन बहुत प्रसन्न रहेगा। क्या करें, अपने मन को बहुत प्रसन्नचित रखें, अपने चरित्र को बहुत सुंदर बनाएं। क्या ना करें, किसी अपराध के भागीदार न बने, जो बहुत जरूरी है, आपको इस बात को ध्यान देना। नमन, बात करते हैं तुला राशि की। लेकिन उससे पहले एक सवाल, हर रोज की तरह पूर्णिमा शिवरात्रि जी और भोपाल से सवाल करिए कि कानूनी समस्याओं के लिए क्या है निवारण। पूर्णिमा जी, नमोना राय, आपका तुला लगन है और वृषभ राशि है, और इस समय आपको शनि की महादशा चल रही है। 15 जून 2025 तक रहेगी शनि में बुध की अंतरदशा, 26 फरवरी 2012 तक, और उसके बाद केतु की अंतरदशा 6 अप्रैल 2013 तक। 14 अगस्त 2012 के बाद समय बहुत अनुकूल आ रहा है, कानूनी पारिवारिक और व्यवसाय संबंधी समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाएगा। क्या समस्याओं के निवारण के लिए क्या उपाय करें, सवा सात्र रति पन्ना सोने में सीधे हाथ की कनिष्ठा अंगुली में धारण करें। पन्ना सवा सात रति सोने में बनाएं और सीधे हाथ की कनिष्ठा अंगुली में धारण करें। बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में पंचामृत से पवित्र कर बुध के बीज मंत्र का जाप करते धारण करना बहुत अनुकूल और बहुत शुभ रहेगा। किसी भी पिंगल खाने, यानी कुष्ठ रोगी जा रहते हैं उसे पिंगल खाना कहते हैं, लकड़ी के कोयले या लकड़ी का दान देना बहुत अच्छा रहेगा। 11 शनिवार चीटियों को सतनाजा डालना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। ये उपाय करिएगा, आपको परेशानियों से और समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। नमन, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, एक साधारण व्यक्ति हूं, और जो मेरा अनुभव है ज्योतिषी, वो अनुभव बांटने आता हूं, आपको पूरा अधिकार है सेकेंड ओपिनियन लेने का। नमन, और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, समय अनुकूल सितारों का शुभ संग, सामाजिक कार्य करने में रुचि बढ़ेगी और मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। आज उच्च वर्गीय व्यक्तियों से मित्रता लाभप्रद साबित होगी, रुकवे कार्य पूरा करने का अवसर मिला, ऑकल्टम साइंस की ओर झुका होगा, पारिवारिक सुख बढ़ेगा, और आज कहीं न कहीं से रुका हुआ धन की प्राप्ति भी होगी। क्या करें, किसी सभा और गोष्ठी में भाग ले बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, अपने भीतर स्वार्थ की भावना आने दे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन, और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, सितारे संकेत दे रहे कि बहुत जरूरी है आपको शांति से काम करना, सहजता से काम करना, हल्का सा भी आक्रोश और आवेश आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है, कारोबार में हानि करवा सकता है, परिवार में तनाव और कलह का वातावरण उत्पन्न कर सकता है। बहुत जरूरी, मेरी बात पे, आज संपूर्ण परेशानियों का कारण आपका अपना क्रोध है, बहुत जरूरी है इस पर काबू करें, अन्यथा आसपास और पड़ोस का संबंध भी बिगड़ सकते हैं, प्रिय वस्तु की हानि भी और शारीरिक कष्ट भी है, और ये गोचर वृश्चिक राशि में सुबह से लेकर शाम तक है। छोटा सा उपाय, घर में घी का दीपक जलाएं, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। क्या करें, मन को शांत करने के लिए अच्छी मित्रों की आप संगत करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, आज हताश नहीं हो, अपने ऊपर हताशा को हावी ना होने दे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन।